हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल YP Tech में। दोस्तों आज के वीडियो में रिव्यू देने वाले हैं बिको मैक न्यू फ्रेंड्स एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले इसका लोगो देख लो, यही लोगो वाला आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप लोग डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको अकाउंट बनाने को बोलेगा, तो आपको अकाउंट बनाने के लिए काफी ज्यादा ऑप्शन इसमें दिया हुआ रहता है। जैसे कि देख लो, तो फर्स्ट में आपको आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आपको अपना नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने अपना नंबर डाल लिया। नंबर डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मेरे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको इसमें डालना होगा। तो देख लो मेरे दूसरे फोन पे यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, आप लोग भी अपना ओटीपी डाल देना। जैसे आप लोग ओटीपी को डालोगे और यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका काफी आसानी से लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद कोई भी परमिशन आएगा तो उससे अलाउ कर देना। उसके बाद इस एप्लीकेशन को किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो तो वो आप लोग सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि हम भोजपुरी और हिंदी सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर काफी अच्छी अच्छी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, जो कि लड़के लड़कियां दोनों का प्रोफाइल होगा। जैसे कि देख लो यहाँ पर, ये सपना उपाध्याय नाम से कोई लड़की है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। जो भी प्रोफाइल आपको पसंद पड़े उससे आप लोग बातें कर सकते हो। जैसे कि देख लो यहाँ पर श्रिया कुमारी नाम से है कोई, जो कि 21 साल की है और ये अभी बिजी है। इसका स्टेटस आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, जैसे कि आप लोग लाइव देख सकते हो। इसे अगर आप लोग चाहते हो फॉलो करना तो यहाँ से फॉलो भी कर सकते हो। देख लो ये अब ऑनलाइन आ चुकी है, आप लोग काफी आसानी से कॉल कर सकते हो। देख लो यहाँ पर एक कॉल आ रहा है, लेकिन कॉल को रिसीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसमें रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज कैसे करना होता है, जैसे कि देख लो यहाँ पर सबसे कम 30 का रिचार्ज है, तो 30 के रिचार्ज पे सिंपली से क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर 30 रुपए अमाउंट आप लोग यहाँ पर देख लो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी चीज से कर सकते हो। यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन का भी ऑप्शन है, जो कि आप लोग क्यूआर कोड स्कैन करके भी काफी आसानी से पेमेंट कर सकते हो। देख लो हम अभी यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहे, आप लोग को दिखाने के लिए हम बता देते हैं। एप्लीकेशन काफी अच्छा है और रैंडम कॉल अगर आप लोग चाहते हो बात करना तो 6 रुपए पर मिनट बात होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर सेकंड में आपको मैसेज का ऑप्शन है और लास्ट में आपका यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल्स देखने को मिल जाता है। जैसे कि देख लो एक लड़की मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर रही है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये हाई लिख के मैसेज की हुई है। लेकिन आप लोगों को रिप्लाई देने के लिए आपको इसमें रिचार्ज करना होगा, तभी जाकर रिप्लाई भी कर पाओगी। तो चलो अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन का जो अकाउंट है अगर आप लोग चाहते हो उसे डिलीट करना तो कैसे करोगे। तो सबसे लास्ट में आ जाना, यहाँ पर सेटिंग में आ जाना, उसके बाद यहाँ पर नीचे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली से आपको DELETE लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, सिंपली से डिलीट लिख के कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ से अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन काम करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे वीडियो हमेशा देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।